नमस्कार, मैं हूं वीरेन ठाकुर और इस वक्त हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के बैजनाथ तहसील के मंदिर महाकाल में, जो कि बैजनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण की अगर बात की जाए तो इस मंदिर के प्रांगण में शिव भगवान का महाकाल रूप का मंदिर स्थित है, शनिदेव मंदिर स्थित है और साथ में शनिदेव की शिला स्थित है और दुर्गा माता का मंदिर जो है वो भी विराजमान है। अगर इस मंदिर के ऐतिहासिक संदर्भ की हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण मध्यकाल में हुआ प्रतीत होता है। अगर हम महाकाल के मंदिर की बात करें, जो कि शिव का एक रूप माना जाता है, तो हम देखते हैं कि ये शिखर मंडपीय शैली से बना हुआ है। अगर हम 5 किलोमीटर ऊपर जाके बैजनाथ मंदिर की बात करें तो बैजनाथ मंदिर जो है वो भी शिखर मंडपीय शैली से बनाया गया है। शिव शक्ति का महाकाल रूप यहाँ हम खड़े हैं, सामने हम देख सकते हैं कि शिव शक्ति के महाकाल रूप की जो पीठ है वो स्थित है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो कहा जा सकता है कि शिव का जो महाकाल रूप है वो कैसे सामने आया और किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। प्राचीन काल में जालंधर राक्षस जो था उसका काफ़ी बोलबाला था, शिव भगवान से उसने वरदान प्राप्त किया था कि वो अमर हो जाए। जब वो अमर होने का वरदान उसने प्राप्त किया, उसके बाद उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना जो है वो आरंभ कर दिया, जिससे कि सभी देवलोक के देवता जो थे वो परेशान थे। जैसा कि कहा जा रहा है कि महाकाल मतलब विनाशक, लेकिन ये विनाशक जो है वो भक्तजनों के लिए नहीं बल्कि दानवों के लिए शिव भगवान ने विनाशक रूप जो है वो धारण किया था। उसके बाद जब शिव भगवान ने महाकाल रूप धारण करके जालंधर राक्षस की हत्या जो की, तो उसका जो मुकुट है वो संसाल नामक गांव में गिरा, जहां पे शिव का भू स्वयं जो एक प्रतिमा है वो स्थित है। महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित दुर्गा माता मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पे आते हैं और अपने कष्टों के निवारण के लिए माता से गुजारिश करते हैं। अगर हम इस मंदिर के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह मंदिर 1982 में रामानंद जी ने स्थापित किया था। महाकाल मंदिर के पुजारी जी, जिनका नाम दूलो राम है, उनसे हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं। दूलो राम जी, कृपया हमें जानकारी दें। शनिवार को यहाँ लंगर लगता है और शनि देव का मंदिर भी है और यहाँ प्राचीन काल जो है महाकाल जी का मंदिर है जो प्राचीन है और स्वयं प्रकट हुए हैं, ये शंभु हैं। ओम शनेश्वराय नमः। जैसा कि कहा जाता है कि शनि देव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो सब ग्रह जो हैं वो शांत रहते हैं। इसी इच्छा को लेकर बहुत सारे श्रद्धालु महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित शनिदेव मंदिर में आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं और अपने ग्रहों की शांति के लिए गुजारिश करते हैं। ये शनिदेव जी की शिला है जिस पे तेल चढ़ाया जाता है, हर शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है और साथ में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे माह और तिल जो है उसका दान करते हैं और जिसको यहाँ पे रखा जाता है ताकि अपने ग्रहों की जो है वो शांति प्राप्त कर सकें। स्वयंभू मंदिर महाकाल, जो कि शिव का रूप है, उसके प्रांगण में स्थित ये, जैसा आप सामने देख रहे हैं, 3 मंदिर और इसके बैकग्राउंड में जो दर्शनीय पहाड़ हैं वो धौलाधार की वादियाँ हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की शान को बढ़ाती हैं। तो हम आपसे, सभी पर्यटकों से, सभी भक्तजनों से ये गुजारिश करते हैं कि आप भी बैजनाथ से 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ स्थित इस स्वयंभू मंदिर महाकाल में आइए और महादेव के दर्शन करके यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनका भी लुत्फ़ उठाइए। मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा नवनीत ठाकुर का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इस वीडियो को बनाने में, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। धन्यवाद।